बात करते हैं अगली खबर की। तालिबान एक ऐसी जगह है जहां पर तुरंत फैसला सुनाया जाता है और तुरंत सजा भी दी जाती है, वो भी सरेआम, और सजा भी ऐसी दी जाती है कि किसी का भी रूह कांप जाए। और ये सजा कोई और, कोई कोर्ट या कोई पुलिस नहीं देती बल्कि आम लोग देते हैं वहां पर, और ये शायद यही वजह है कि इसे तालिबान कहा जाता है। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है बेगूसराय में। क्या कुछ है मामला, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बेगूसराय में मुखिया जी का तालिबानी रौब देखने को मिला है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुखिया जी का गुस्सा किस तरह से एक लाचार व्यक्ति पर जारी है। दरअसल वायरल वीडियो में जिस शख्स की पिटाई हो रही है वह कोचिंग संचालक है। घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के चक मुजफ्फरा गांव की है। यह घटना समाज के शर्मनाक चेहरे के साथ साथ पंचायत की तालिबानी फरमान को भी दर्शाती है। मामला कोचिंग में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ अश्लील मैसेज और गंदी बात करने का है। फिर क्या था, परिजनों ने कोचिंग संस्थान के पास जाकर हो हंगामा शुरू कर दिया। मुखिया जी को इस घटना की खबर क्या मिली कि बिना सोचे समझे तालिबानी फरमान जारी कर दिया और खुलेआम डंडों से पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान कोचिंग संचालक को भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई। तस्वीरों के मुताबिक पिटाई कर रहे मुखिया जी का नाम विजय पासवान बताया जा रहा है। देर ही सही पर सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो कोचिंग संचालक को अपने हिरासत में लिया और थाने ले आई। लेकिन इस मामले में किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिखित शिकायत न मिलने के कारण पुलिस ने कोचिंग संचालक को छोड़ दिया। पर सवाल है कि माननीय लोग कानून को ऐसे ही अपने हाथ में लेते रहेंगे तो आवाम का भला क्या होगा। ओंकार अवामी के लिए बेगूसराय से आरिफ की रिपोर्ट। चलिए, ये तालिबानी फरमान जारी हुआ और उसके बाद तुरंत सजा भी दी गई। मनोज नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। मनोज जी, कह सकते हैं कि तालिबानी फरमान जारी हुआ और बेगूसराय में जिस तरह की सजा दी गई, बहुत ही ये शर्मनाक है। ये बिल्कुल वेद प्रकाश जी, शर्मनाक कही जाएगी ये घटना। चूंकि जिस तरह से तालिबानी फरमान जारी करके तुरंत सजा मुकर्रर करने की प्रथा रही है, एक तरह से कहा जाए तो नक्सली की भी की यही प्रथा है। तो एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से कोचिंग संचालक अगर कोई है और वो किसी लड़की के साथ अगर गलत मैसेजिंग करता है तो इसका प्रॉपर एक तरीका होता है। अपने यहाँ व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाए गए हैं, तो कानून का सहारा लेना चाहिए, नहीं कि इस तरह का फरमान जारी इस तरह का फरमान जारी। बिल्कुल सही कहा आपने कि काफी गलत है ये और गलत कदम जो है वो उठाया गया है। मनोज जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी हमारे पास है। हम तो ये खबर थी बेगूसराय की जहां तालिबानी रौब दिखा है।